भगवंत मान जी वालों पिछले दिन जो केंद्र सरकार दे नाल गवर्नर साहब के राही टकराव बनाया गया, मेरे ख्याल के अंदर कितने ना कितने पंजाब सरकार बहुत बड़ियां गलतियां कर रही है, अपनी जिम्मेवारियां तो भज रही है। इस करके जिहड़ा केंद्र सरकार है वह संज्ञान लैके नोटिस लैके जिहड़ा आ वह पंजाब के अंदर कितने ना कितने जिहड़ा आ वह अजिहे हालात बनाउंदा। रूरल डिवेलपमेंट फंड बिल्कुल भी नहीं रोकिया जाना चाहिए, नाल पंजाब का नुकसान होएगा। जे उन्हां नूं पैसा ना दिता जाए, जिहड़ी आम आदमी पार्टी ने जो महला क्लीनिक खोले सी, पहली गल तां इह सी कि कोई भी नवा डॉक्टर भर्ती नहीं किया गया, कोई भी होर लोड़ीदा स्टाफ जिहड़ा है वह भर्ती नहीं किया गया, नर्सिस दे तो लैके टैक्टीशियन तो लैके डॉक्टर तक कोई भी भर्ती नहीं सी किया गया। पिंडां दीआं डिस्पेंसरियां दे अंदर बैठे डॉक्टर जिहड़े सी उन्हां नूं ही उन्हां महला क्लीनिकां दे अंदर जिहड़ा सीगा नियुक्त कर दिता। इस वेले तुहाडे माध्यम दे राही जो तुसी मैनूं दस्सिया, मैं यही कहना चाहना कि कंपनियां कम छड्डणगियां अगर तुसी उन्हां नूं समय दे मुताबक जिहड़ा इनफ्रास्ट्रक्चर प्लस जे तुसी उन्हां दी वेजेस जां उन्हां दीआं तनखाहां उन्हां नूं लोड़ींदा पैसा नहीं मुहैया करोगे तो फिर अजिहे हालात पंजाब दे अंदर पैदा होणगे। भगवंत मान जी, तुसी लोकां दे नाल वादा कीता सी कि इन्हां महला क्लीनिकां दे अंदर हर तरह की सहूलत जिहड़ी है वह दित्ती जाएगी। मेरे ख्याल दे अंदर उन्हां महला क्लीनिकां दे अंदर जिहड़ा अज कोई भी सुविधा जिहड़ी नहीं मिल रही, सरकार सिर्फ दिल्ली की तर्ज ते पंजाब दे अंदर ड्रामा करना चाहती सी, जिहड़ी सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। सर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात करनी है, कानून व्यवस्था से गलबात होगी, तो बुधवार को जो राज्यपाल उन्हां ने भी जो मुलाकात की थी, लेकिन अमृतपाल का मसला जो कि हल होंदा है नज़र नहीं आ रहा। देखो, मेरे ख्याल के अंदर सरदार भगवंत सिंह मान जी ने अमित शाह जी नाल मिलन तो पहला पंजाब के अंदर सर्व पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए सी। देश के गृह मंत्री नू मिलना ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री की यह ड्यूटी भी बनती है कि सेंटर के नाल कोऑर्डिनेट करके स्टेट नू जिहड़ा आ वह अंदर वो सखावा माहौल जिहड़ा वह बनाया जाए। पर भगवंत मान जी पंजाब के अंदर एडी हनेरगर्दी पई हुई है, दिन दिहाड़े कतल हो रहे हैं, डकैतियां हो रही ने, गैंगवार हो रहा, तो भगवंत मान जी सब तो पहला पंजाब के अंदर सर्व पार्टी मीटिंग बुलाने के अंदर क्यों कतराते हैं? सारिया पार्टियां की हमायत ली जानी चाहिए है। मैं तो माध्यम के राही कहना चाहना कि अगर भगवंत मान की सरकार को पंजाब के अंदर चंगा कदम करेगी तो असी बतौर ओपोजिशन सरकार को सहयोग देने वास्ते तैयार हैं। अमित शाह जी को मिलना चंगी गल है, अगर भगवंत मान जी पंजाब का माहौल केंद्र के नाल तालमेल बना के जिहड़ा वो सखावा माहौल बनाउण, असी उहदी शलाघा करांगे। पर मेरे ख्याल के अंदर ये सिर्फ एक फॉरमैलिटी की गई है, क्योंकि जिहड़ा तुहाडे माध्यम के राही मीडिया के राही आया कि सेंटर के नाल जिहड़ी केंद्र सरकार है वो कोई तालमेल नहीं कर रही, क्योंकि पिछले दिन गवर्नर साहब ने पंजाब के अंदर इस चीज़ का नोटिस लिया नशियां दे मामले दे उत्ते और पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति दे उत्ते बॉर्डर ते जाके जो गवर्नर साहब जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नाल पंजाब दे डीजीपी साहब बैठे ने, चीफ सैकटरी साहब बैठे ने, तो कितने ना कितने अजिहा सारी जानकारी जिहड़ी है केंद्र नूं गवर्नर साहब दे राही दित्ती गई है। अज मजबूर हो के क्योंकि अजिहे पंजाब दे हालात बिगड़ चुके ने और भगवंत जांदी हुण तां मजबूरी बस जिहड़ा तो गृह मंत्री साहब नूं मिलन जा रहे ने। मेरे ख्याल दे अंदर इहदे विच्चों निकलना कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉरमैलिटी पूरी की जा रही है। सर, अध्यापकां दा दूजा जिहड़ा ग्रुप हैगा ट्रेनिंग लई सिंगापुर जाऊगा, जिहड़ा पहला ग्रुप गया सी उत्ते भी काफ़ी विवाद होया सी, गवर्नर साहब ने रिपोर्ट भी मंगी सी लेकिन हजे तक रिपोर्ट भी नहीं दित्ती गई, तो लगता कि इस बार फिर तो जिहड़ा कि विवाद हो सकता है या फिर किद्दां देखदे इस फैसले नूं? मैं तो यह कहना चाहना कि जिहड़े साडे अध्यापक साहबान बाहर गए सी उत्थों ट्रेनिंग लैके आए है कि उन्होंने पंजाब दे अंदर गां टीचर्स नूं जां होर प्रिंसीपल साहबान नूं कि वह ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि पंजाब दे अंदर 30-35 स्कूल जिहड़े आ उह चलाउणगे? पंजाब दे अंदर हज़ारां स्कूल ने, मैं अंकड़ा दे सकदा, समय की घाट है। मेरे ख्याल दे अंदर अजिही कोई भी संभावना पंजाब दे अंदर नज़र नहीं आई कि उन्हां वल्लों लई गई सिखलाई किसी ट्रेनिंग कैंपां दे राहीं किसी कैडर कैंपां दे राहीं जिहड़ी है वह जन उन्हां सारे स्टाफ तक जिहड़ी पहुँचाई गई है, ये जानकारी सिर्फ उन्हां तक ही सीमित रह गई है। ये तो सिर्फ एक अजिहे हालात लोगों को दिखाउण की गल सी कि असीं टीचरां नूं विदेशां दे अंदर पढ़ाया जिहड़े सिखलाई दवा के पंजाब दे अंदर उदा की जिहड़ी सिख्या प्रणाली जिहड़ी आ उह बनाउणी चाहुंदे आ, पर मेरे ख्याल दे अंदर ये ट्रेनिंग उन्हां अध्यापकां जां उन्हां प्रिंसीपल साहिबान तक ही सीमित रह गई आ। इहदा आम होर टीचर साहिबान नूं प्रिंसीपल साहिबान नूं कोई फायदा होण वाला नहीं है। सर, केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार नूं एक होर वड्डा झटका दित्ता,
केंद्र वालों देहाती विकास फंड नूं रोक के पंजाब मंडी बोर्ड नूं जिहड़ा कि संकट विच जिहड़ा घिर चुकी है उहनूं किद्दां देखदे? देखो मेरे हिसाब दे नाल केंद्र सरकार नूं पंजाब दा जिहड़ा रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहड़ा आ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਗਾਂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਕਰਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।